स्थिर स्वराज एक्सप्रेस की खबरों का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग निम्स जाकर 100 से ज्यादा हॉस्पिटलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल प्रदेश के सरकारी एवं निजी अस्पताल बायोमेडिकल वेस्ट एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को दरकिनारा कर लगातार बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद रायपुर के जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 1351 सरकारी एवं निजी अस्पतालों को क्लिनिक पैथोलॉजी लैब को नोटिस जारी किया है। बता दें कि प्रदेश के सरकारी एवं निजी अस्पताल खुलेआम बीमारी फैला रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग मूक दर्शक बनी बैठी थी। दरअसल अस्पताल के पैथोलॉजी एवं एक्सरे यूनिट से जहरीला पानी के साथ निकलने वाला मरीजों का मलमूत्र, बलगम, मवाद, खून, केमिकल नालों के जरिए तालाबों और नदी तक पहुंच रहा है। इसके संपर्क में आने से बड़े मात्रा में लोग संक्रमित होकर बीमार पड़ रहे हैं। ये नोटिस सिर्फ राजधानी रायपुर के सरकारी एवं निजी अस्पतालों को जारी किया गया है, लेकिन पूरे प्रदेश में ये बददस्तूर जारी है। अभी देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश में किस तरह से एक्शन लेती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत। एक बार फिर